इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइव रेसिस्टर्स, 1 2 3 4 5 फाइव रेसिस्टर्स हैं कनेक्टेड इन अ सर्किट। ये सर्किट में ये सर्किट देख रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज, मतलब की क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो एमीटर का रीडिंग क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड में ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हमको फाइंड करना है एमीटर रीडिंग। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं, आई बात करना है, आई फाइंड करना है, वोल्टेज दिया हुआ वी, कितना दिया हुआ 3 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो फाइव रेसिस्टर सर्किट कनेक्ट है इसका नेट रेसिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो नेट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं, और रीड्रॉ करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो देखिएगा, रीड्रॉ सर्किट कर रहे हैं तो ये दोनों जो है इस पॉइंट के लिए सीरीज में है, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, देखिए ठीक है, ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज में है, 3 ओम और ये 3 ओम, और ये दोनों सीरीज में इस टर्मिनल के अक्रॉस ये क्या हो गया पैरेलल में, तो ये 3 ओम पैरेलल में आ गया। और ये जो दो टर्मिनल है तो ये जो टर्मिनल है इधर ये 0.5 ओम यहाँ आ जाएगा, 0.5 ओम ठीक है, और ये वाला 0.5 इधर आ जाएगा 0.5 ठीक है, और इधर जो बैटरी था ये एमीटर रेटिंग हो गई एमीटर, और ये की प्लस माइनस, इधर से करंट फ्लो हो रहा है ठीक है। तो ये 0.5 ओम था और ये भी क्या है 0.5 ओम ठीक है। अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करें कि ये R1 ले लेते हैं, ये R2, R3, ये R4 और ये R5, फाइव रेसिस्टर था, सभी कनेक्ट है गिवन डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, नेट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये दोनों सीरीज में है, तो ये सीरीज में है तो इसको क्या करेंगे, नेट रेसिस्टेंस सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो 3 3 क्या हो जाएगा 6, और ये इसके साथ में पैरेलल में है। तो इसका जो रीड्रॉ अगर हम इसके बाद अगर सर्किट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरह से दो सकते हैं, ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक रेसिस्टर हो जाएगा ये, जिसका हम सीरीज में क्या करते हैं R2 प्लस R3 सीरीज में, तो ये 6 ओम हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, और ये इसके साथ में क्या हो जाएगा पैरेलल, ये 3 ओम। तो इसको हम नेट रेसिस्टेंस R' मान लेते हैं, ये R2 और R3 का नेट रेसिस्टेंस, ये R1 इक्वल टू क्या है 0.5, और यहाँ पे R4 था और ये R5 ठीक है, ये R5 0.5 कितना है 5। अब ये दोनों को पैरेलल में करेंगे तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ऐसे इसको नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, बस ये ऊपर वाला पार्ट में दिखा रहे हैं। क्या होगा, अब यहाँ पे R1 R' और R4 जो है पैरेलल में है, तो नेट रेसिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस R' एंड R4 आर इन पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा इसका नेट रेसिस्टेंस, अगर हम लोग R" मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/R' प्लस 1/R4, तो 1/6 प्लस 1/ क्या होगा 3, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 2 6 2, ये हो जाएगा 3/6 क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/R' इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो R" कितना होगा 2 ओम, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2 ओम। तो अब जो सर्किट बनेगा देखिएगा, यहाँ के बाद ये दोनों मिलके एक हो गया कितना 2 ओम, तो अब सर्किट जो हो जाएगा इस तरह से, ये तो 0.5 था R1 इक्वल टू 0.5 ओम ठीक है, और ये दोनों मिलके कितना आया 2 ओम का आया ठीक है 2 ओम, तो ये हो जाएगा 2 ओम, ये R" माने हैं ये कितना है 0.2 ओम, और ये पहले से था ये रेसिस्टर जो था ये R5 है 0.5 ओम। तो अब नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा,
तो नेट रेसिस्टेंस हम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को सीरीज में, अब आ गया तो सीरीज में करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो नेट रेसिस्टेंस जो होगा, नेट रेसिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 0.5 प्लस 2 प्लस क्या 0.5 इक्वल टू क्या होता है 3 ओम आर आ गया। ये नेट रेसिस्टेंस हो गया, नेट रेसिस्टेंस ठीक है। ये सर्किट का, इस सर्किट का नेट रेसिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम, क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पे जो फाइंड करना था क्या है, ये पता चल गया कि आर कितना है 3 ओम, करंट निकालना था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या होता है, नहीं वो आई फाइंड करना, I इक्वल टू क्या होगा V बाई आर, अभी कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट और आर कितना निकालने नेट रेसिस्टेंस 3 बाई 3 1, तो क्या होगा 1 एम्पीयर। क्वेश्चन में बोल रहा था कि एमीटर रीडिंग कितना होगा, तो ये जो एमीटर रीडिंग बताएगा कितना एम्पीयर करंट बताएगा 1 एम्पीयर। इसके लिए क्या किए, सबसे पहले ये सर्किट का नेट रेसिस्टेंस फाइंड कर लिए, नेट रेसिस्टेंस जो आया वोल्टेज दिया हुआ था और ओम्स लॉ से आई इक्वल टू वी बाई आर पुट कर दिया, क्लियर है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ बोर्ड में क्वेश्चन था, तो इस तरह से हम अदर क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।